ये देखिए 86 बन रही है, इसको भी करते हैं, ये भी बहुत खराब है यार। इधर देखें, गाड़ी यूज करते हैं ना इनको, GL देख लें कलर ये वाला है। सारी गाड़ी अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब, उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। आज फिर गाड़ी का थोड़ा मसला बन गया था। सुबह सुबह मैं थोड़ा काम जा रहा था, उस टाइम मसला बना है ना, तो फिर दिया मैकेनिक को। मैंने कहा कि यार आज इसे थोड़ा सेट करवा लें, उसका मसला काफ़ी दिनों का था क्लच का ना, लेकिन वो क्लच का नहीं था, गियर लीवर का मसला आ रहा था। मैं समझा था क्लच का है, उसके मेरे ख्याल में गियर की जो एक वायर होती है, मतलब तार होती है ना, केबल, वो टूट गई है मेरे ख्याल में। वो अभी मैं मैकेनिक को दे आया हूँ, अभी जाता हूँ उसके पास, क्योंकि घर के साथ ही है। और इधर मैंने बाइक दिया सर्विस पर, गया था घर ना, बाइक बहुत ख़राब थी, मैंने कहा चलो सर्विस पर दे देते हैं, वो दिया सर्विस पर। अभी आपको दिखाता हूँ उसका हाल, फिर जाते हैं गाड़ी को देखते हैं, आपको वो दिखाता हूँ गाड़ी। ये बाइक का ये हाल है, बहुत ख़राब थी, बहुत। बाइक का हाल छोड़, मेरा हाल बताओ। हाँ तुम भी अपना हाल बता दो। बहुत हवा लग रहा है, बहुत ख़राब थी बाइक, ये बहुत पहले की नहीं धुली, बहुत टाइम हो गया है, अभी तो याद भी नहीं। अच्छा मैं गाड़ी ठहरा आया हूँ मैकेनिक के पास ना, अच्छा। उसको देखता हूँ फिर तेरे पास चक्कर लगा, ठीक है। ये ठहरी है जी गाड़ी, और यहाँ पर होती है कोई वायर इस जगह पर ना, केबल की, ओ उसकी केबल होती है गियर लीवर की, वो मेरे ख्याल में टूट गई है। अभी आपको अंदर से भी दिखाता हूँ, ये अगर आप देख रहे हो ना, तो ये लीवर बिल्कुल फारिग हो गया है, फारिग, ये देख रहे हैं आप। और यहाँ पर होती है इसकी केबल इस जगह में ना, वो जो जा रही है, अगर आपको नज़र आ रही हो, देखा है, इस ये केबल टूट गई है मेरे ख्याल में, वो कह रहे हैं कि ये केबल नहीं डलेगी। ये सुबह मैं निकाल रहा था, ऐसे किया, ऐसे टूट गई है। अभी चलो देखते हैं इससे क्या करते हैं वो, अभी एक और गाड़ी में लगे पड़े हैं, वो फ्री होकर फिर इसे देखते हैं। कह रहे हैं कि केबल लानी पड़ेगी जेन्युइन, वो इसमें डालेंगे। वहां से जो अंदर लीवर से आती है ना, वो जगह है, वो देख रहे हैं आप, वो सही अंदर से आती है, वही केबल वही इधर लगेगी। तो यू नो ब्रो, ये टेंशनें चलती रहती हैं गाड़ियों के साथ, कभी मजे तो कभी अप एंड डाउन तो होते रहते हैं लाइफ में। तो ये तो होगा, फिर काम तो निकालती हैं गाड़ियाँ, जो ये अचानक वाला होता है ना, ये थोड़ी टेंशन देता है, बाकी मसला नहीं है। अभी ये इतना, हालांकि काम नहीं, आधा घंटा लगेगा फिर हो जाएगा काम। फिर यार आज अगर आपको याद हो, ये दिखाई थी ना, इसके नीचे वाली जो जगह है ना, वो थोड़ी गली हुई है, वो जगह दिखानी आई डेंटर को, मतलब उसमें रस्ट है, वो जंग लगा हुआ है। ये सारी जो नीचे वाली जगह ये दिखानी थी आज, आई मैंने वैसे वहाँ जाना था और ये काम निकल आया है। चलो कोई नहीं, देखते हैं। और इसने पूरा इंजन खोला हुआ है, पूरे पूरा इंजन। ये एक सलाई है जी, अलई, अच्छा एक सलाई का इंजन है, पेट्रोल का, सही सही। यार ये जो बैटरी होती है ये कैसी होती है, ये वाली, अच्छा ये देखिए खाली हुई पड़ी है सारी गाड़ी। अब इसका सारा इंजन खुलेगा, अच्छा उसका ऐसा, इसका इंजन बन रहा है, उसका टाइमिंग बिल्ड सही। और ये हमारे उस्ताद जी की गाड़ी है यार, ये केरा मॉडल है, अच्छा 82 82, ये पेट्रोल है ना, अच्छा डीजल, सही है।
ये फॉर सेल है। अच्छा ये फॉर सेल है, अगर किसी को चाहिए हो तो बता दें कमेंट्स में। 82 मॉडल है और डीजल है, GL। देख लें कलर ये वाला है। सारी गाड़ी इसका नंबर लाहौर है। इन्हें दे डू की बुलाऊं देन केरी केरी ये तो न्यूट्रल है। अच्छा गियर तो न्यूट्रल है, लेदर लेदर हूं। जी लावा ना ये इन क्लच ने दबाया उसी या क्यों फर्क थी आ गया सब शायद टाइम जो पूरा हो गया तो शील भी अच्छे टूट दर ये केबल बड़ी मुश्किल जगह पर है, वो बना रहा था लेकिन वो मतलब नीचे है बहुत। अभी ये बाइक घर से ले आया हूँ और सीढ़ी ठहरा आया हूँ, इसको भी करते हैं। ये भी बहुत ख़राब है यार, इधर देखें गाड़ी यूज़ करते हैं ना इनको बिल्कुल ठहर ठहर कर ख़राब हो गए हैं सारे। और वो बाइक अभी दिया है घर ले गया हूँ और ये उठा आया हूँ, मैंने कहा चलो ये भी हो जाए कि यार नहीं मेहरबानी अभी चाय पी है कि यार आपका केबल का मसला नहीं है। केबल का मसला अगर होता तो फिर पहले का है, केबल का मसला ले आओ ना। वो तकरीबन कोई नुस्खा था 5-6 हज़ार का केबल का, इसकी केबल बहुत महंगी है जो जेन्युइन है। फिर मैं घर गया हूँ बाइक ले आऊँ, मैंने कहा अभी वो कह रहे हैं कि थोड़ी देर तक गाड़ी उठा जाना, इतना मसला नहीं है केबल का, कोई ऐसे छोटा मोटा मसला। मैंने कहा ला अच्छी बात है ये। अभी फिर बाइक मैंने कहा सर्विस हो जाए और गाड़ी वो फिर तकरीबन कह रहा है कि 3-4 या 5 बजे तक उठाना है। मैंने कहा चलो ठीक है उठा लेंगे। चलो ये है ना यार केबल वाले नुस्खे से तो बच गए। अभी बज रहे हैं 4 और मैंने अभी मैकेनिक को कॉल किया, वो कह रहा है कि गाड़ी बनी हुई है। अभी चलते हैं गाड़ी तो उठाते हैं तो देखते हैं क्या बना है गाड़ी का, क्योंकि वो कह रहा था कि यार केबल जो है ना वो सेट है, कोई और छोटा मोटा मसला है। चलो देखते हैं, अभी जा रहे हैं, 4 बज गए हैं, मैंने जितना ज़रूरी काम जाना था और अचानक ये मसला बन गया। चलो अभी देखते हैं क्या होता है। अल्हम्दुलिल्लाह गाड़ी हो गई है ओके। ये देखें अब गियर स्मूथली लग रहे हैं। असल में ये कोई सुबह सुबह कह रहे हैं कि सर्दियों में ना गाड़ी का सीएल जो होता है ना या गियर वाला सीएल वो हो जाता है ठंडा, बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता है, जिसकी वजह से गियर थोड़े सख्त लगते हैं और क्लच भी। ये मैं असल में मोस्टली डीजल गाड़ियों के साथ ज़्यादा होता है, जो इनका सीएल होता है ना गियर वाला वो सख्त हो जाता है सर्दियों में सुबह सुबह, इसलिए मतलब गियर थोड़ा मुश्किल से लग रहा होता है। तो ये अभी ओके हो गए। वो कह रहे हैं कि जो इसकी जेन्युइन केबल थी ना वो तकरीबन थी कोई 7-8 हज़ार की थी ओरिजिनल, और जो चाइना वाली है वो तो 2500 की मिल जाती। तो उस नुस्खे से तो बच गए हैं। अभी चलते हैं इसको डेंटर को दिखाते हैं, गाड़ी नीचे जो वो आपको बता रहा था, और साइड वाला टायर जो उस दिन आपको वीडियो में दिखाया था कि बॉडी पर लगता है जब कि पीछे कोई बैठ जाए, वो दिखाते हैं उसको डेंटर को क्या कहते हैं। ये है जी डेंटर की शॉप, इसके पास ये गाड़ी ठहरी है जिसकी वजह से वो कह रहा है कि यार मेरे ख्याल में ये कहेगा कि आज तो नहीं बनती, देखते हैं यार। ए जी झाड़ ना ए रिठा वे थोड़ी रगड़ी खड़ी है झाड़ी रिठी वे ए इतना लग दी है बॉडी, या तो बॉडी थोड़ी परते थी हुई है ए पास तो परली साइड नहीं लगती, वो सही देर वे गड्डी बावे तले पत्ते की चक्कर है। पीछे को लेगो ना बॉडी। अब ये देखें ये बराबर ठहरी है और वो साइड लगती है,
तनी के चक्कर इस जी पेना यार एक ही वजह हो सी पार्टी ठीक पार्टी इना उन हिको हाल ले यो हाल ले कि इन झाग उसे थोड़ा और देखो जी आ मैं तक यही सनाउल्ला कोल जी आ वो कहता है कि यार ये जो टायर है ना इसको थोड़ा अंदर करना पड़ेगा अब कैसे होगा ये तो मैकेनिक को पता है हमें तो पता नहीं है अब वो गया है को पता करता है किसी का यार चेक करते हैं ये जगह यहाँ पर क्यों लगती है यार ये देखे 86 बन रही है इसका ये लग रहा है सारा वो गला हुआ है मेरी ये वाली जगह गली हुई है उस गाड़ी की ये बहुत प्यारी गाड़ियां थी यार अगर ये मॉडिफाइड हुई हुई होती है ना 88 बहुत प्यारी गाड़ियां हैं बहुत अब ये मेरे ख्याल में बन रही है इसकी सारी बॉडी बन रही 88 करोला ये सारी इनकी बॉडी बनाने पे इनकी सारी बॉडी बनाने पे अच्छा ये ऐप पे कोई लेवल खड़ा होने लग दी ठीक है इसी राव गड्डी आंदा या मतलब हर शायद बंदा यूज कर सके नहीं पर मोबाइल एंड्राइड है ना ठीक है ये तो डाउनलोड कर सके बड़ा मजेदार है ऐप अच्छा जी मुझे तो आज पता चला है कि पिछले जो एल व्हील है ना उनकी भी अलाइनमेंट होती है मुझे तो आज पता चला इस बात का अब इंशाल्लाह यार वो करानी है वो कहते हैं पहले अलाइनमेंट कराओ उसकी वजह से थोड़ा टायर जो है ना टेढ़ा है वो बॉडी पर लगता है अब पहले वो करानी पड़ेगी फिर उसके बाद इंशाल्लाह ये जो नीचे से जंग लगा हुआ है ना बॉडी को वो फिर सेट कराएंगे इसके तहसीन उस्ताद के पास पहले वो कराते हैं इंशाल्लाह तो अगर आज यार बस आज छोटा सा टॉपिक था इतना बड़ा नहीं था ना मैंने कहा चलो आज काम जाना था वहाँ पर व्लॉग बना था बोर्ड तो आज मैं जा भी नहीं सका बस अचानक ये मसला बन गया तो पसंद आया हो तो यार लाइक सब्सक्राइब कर दें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर दें मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में किसी नए टॉपिक के साथ और एक दो काम है वो कराते हैं फिर गाड़ी का तो वो इंशाल्लाह आएंगी वीडियो फिर आपके पास मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में अल्लाह हाफिज़